I saw your face, couldn't find the words I meant to say. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. स्पेशली अगर कोई उड़ीसा से है तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो. मैंने कुछ वीडियोस देखे थे साइक्लोन के, बहुत ही ज़्यादा स्केरी लग रहे थे. थैंकफुली कोलकाता में कुछ नहीं हुआ, लाइक प्रेडिक्टेड तो था बट थैंकफुली वो कुछ भी नहीं हुआ. बट अगर कोई उड़ीसा से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना कि करंट कंडीशन कैसा है. एंड आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल सेफ होंगे, अच्छे होंगे. एक्चुअली लगता है ना, नेचर जितना ही ब्यूटीफुल होता है कभी कभी वो कितना ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है. यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है, लाइक कम्प्लीटली समर टाइप फीलिंग आ रही है. और नेक्स्ट कमिंग वीक तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, 20 तक जाने वाला है. यहाँ पे लाइक 20-25 बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है. समर्स के लिए तो हम डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. और ये वाले फ्लावर्स खिल रहे हैं. लास्ट ईयर ना ये खिले नहीं थे, बस इतना ही रहा था लास्ट ईयर. इस बारी ये पूरे खिल रहे हैं. ये ऐसे स्टार्ट होता है और फिर ऐसे हो रहा है. लेट्स सी कितना जाता है. और आज है संडे, सो हैप्पी वाला संडे. Stuck inside myself, broken down in every single way. So can we talk about it? I'm sorry for the things I said. I was trying to get in your head all along. So can we talk about it? You didn't have to walk away. I think about you every day. I was wrong. So can we talk about it? Can we talk about it? Just trying to get in. Kyushka, avocado bread nahi acha laga? No, that's not good. That's not good, okay. Yesha ko acha laga? Yesha ko yummy laga? I eat cheesy bread. Nom, nom, nom. This is very good. This is good? Yeah. Okay, ye Kyushka ka favorite cheese hai, ye wala. Yeah. Hai na? जल्द जल्दी खाओ, फिर मैं उसके बाद बॉइल्ड एग दूंगी. Yay! अगर पहले से बॉइल्ड एग दे दूंगी तो एग खा लेता है और ब्रेड छोड़ देता है, इसलिए पहले ब्रेड. नो, दैट्स नॉट यकी. यू डोंट लाइक इट, दैट्स ओके. दीदी लाइक्स इट. Couldn't find the words I meant to say. Stuck inside myself, broken down in every single way. So can we talk about it? I'm sorry for the things I said. ब्रेकफास्ट एंड ऑल डन है. अभी अनुज मैच एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे बाहर प्ले कर रहे हैं. और कल ना डिनर पे हमारे फ्रेंड्स आए थे, तो ये तो होता ही है ना, लाइक कभी भी कोई घर पे आए डिनर पे तो नेक्स्ट डे के लिए तो खाना पूरा बचा हुआ होता है. तो मैंने काफ़ी कुछ बनाया था और सब कुछ थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है. लाइक आज का लंच और डिनर तो डन है, तो किचन से मेरी है छुट्टी. तो मैं सोच रही थी, लाइक काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं कि समर्स में तो मैं हेयर कट कराती हूँ, बट मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था. लाइक केयूष के साथ अकेले मेरे लिए जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पता चला मैं मिडल ऑफ द हेयर कट हूँ और उसका कुछ स्टार्ट हो गया, तो मैं उसको अकेले ले जाना रिस्क नहीं ले सकती हूँ. तो आज संडे है, अनुज घर पे है, अच्छा सा वेदर है, बच्चे बिजी हैं और मुझे कुकिंग करनी नहीं है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. तो मैं जा रही हूँ अभी हेयर कट कराने के लिए. देखती हूँ कहाँ से कराती हूँ, क्या कराती हूँ. सामने वाले मॉल में ही जाऊंगी, ज्यादा कहीं दूर नहीं जा रही हूँ. बाय गाइस, बाय, एंजॉय. यस, आई विल गेट अ कूल हेयर कट. बाय केयूष. मम्मी मम्मी, व्हेन यू कम बैक, डोंट नॉक एट द डोर हियर, जस्ट नॉक एट द डोर हियर. ओके. Mommy? Yes? Did I close my eyes? I'm not coming with you. No. Please, can you stay there? Can you still miss me? Yeah. You'll miss me? Yeah. Okay, bye. I'm not coming with you. No, you are not coming with I'm me. I'm going to stay home. काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे अकेले जा रही हूँ. थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है बट अच्छा भी लग रहा है. कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए. और आज मेरे पास बैकपैक भी नहीं है, मैं सिंपल सा स्लिंग बैग लेके जा रही हूँ.
didn't have to walk away. Think about you every day. I was wrong. So can we talk about it? I was trying to get in your head. Salon just abhi open hua hai. I think my first customer unki. और मैं फर्स्ट टाइम इस सैलून में जा रही हूँ. उस वाले सैलून में अपॉइंटमेंट लेना होता है और आफ्टरनून 2:30 का अपॉइंटमेंट मिल रहा है. मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ का मन बना लूँ ना तो फिर मुझे वो पूरा करना ही होता है. तो मैं 2:30 तक का तो वेट नहीं कर सकती हूँ हेयर कट के लिए. तो यहाँ पर ग्रेट क्लिप भी है जहाँ पर ये शकीयुष का काफ़ी बारी कराया है और मुझे कुछ डिफरेंट सा अमेजिंग सा हेयर स्टाइल तो कराना नहीं है, सिंपल स्टेप कट ही है तो वो वहाँ पर भी हो जाएगा. तो मैंने चेक इन कर लिया, जस्ट 15 मिनट्स का वेट है और मैं शॉप के बाहर ही बैठी हूँ. मैंने सोचा अंदर बैठने से अच्छा है कि मैं बाहर बैठ जाती हूँ. तो इसके बाद वाले क्लिप में शायद मैं आपको न्यू हेयर कट के साथ मिलूंगी. सरप्राइज. बहुत ज़्यादा छोटा हो गया. मैंने बोला था उनको शोल्डर लेंथ, बट मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा. आप बताओ कैसा लगा आप लोगों को? काफ़ी छोटा हो गया, लाइक पीछे से आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया. पता नहीं अनुज कैसे रिएक्ट करेंगे. वैसे तो इज़ ओके. मुझे संभव अच्छा लग रहा है, लाइक इतना छोटा मैंने नहीं बोला था उसको करने के लिए. लाइक हाँ, हो सकता है यहाँ पर एक तो एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल होता है ना. और मेरा फ़ायदा हो गया, आज डिस्काउंट चल रहा था पता नहीं किस चीज़ का. वैसे $20 लगता है और मुझे आज लगा सिर्फ $10 में हेयर कट. कम ऑन, ग्रेट. और इतना शॉर्ट तो मैं बहुत टाइम बाद करा रही हूँ. लाइक आई थिंक 8-9 ईयर्स के बाद मैंने इतना शॉर्ट कराया होगा. जब शादी के बाद मैंने एक दो बारी हेयर कट कराया था शॉर्ट इतना, उसके बाद तो कभी भी नहीं कराया. हमेशा मतलब इतना तो रहता ही है. बट एनीवेज, चेंज अच्छा होता है, चेंज कभी कभी. लेट्स सी, घर पहुंचने वाली हूँ, क्या रिएक्शन आता है ये शकेयुष और अनुज का, देखते. घर पहुंच गई हूँ, अनकट रिएक्शन देखते. देखो आपका और मेरा लेंथ, येशा का और मेरा लेंथ सेम हो गया. कैसे यार, इनको समझाना इतना मुश्किल होता है ना. हाँ. मतलब उनको कुछ बोलो उनको कुछ समझ में आता है, और वो जो हमसे पूछते हैं वो समझ में ही नहीं आता है. इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते, दिस कट, लेयर कट, मिक्स कट, ये कट. मैंने कहा कर दे बहन, अब तू जैसा करना है तू कर दे. क्या यार इतना करवा के, मुझे लगा कुछ तो रिएक्शन आएगा क्योंकि आगे से कुछ पता नहीं चल रहा है. कैसे नहीं, इतना छोटा हो गया, इतना छोटा छोटा. आगे तब भी पहले बाल इतने ही आते थे. इतने कहाँ आते थे, और लंबे लंबे हो गए थे. आप लोग बताओ यार, ये हस्बैंड्स को कुछ नहीं पता होता. आप लोग बताओ कैसा लग रहा है मेरा न्यू हेयर कट. प्लीज टेक माई साइड. नहीं नहीं, मेरी साइड लेना. प्लीज बताओ कैसा लग रहा है. कॉमेंट डाउन बिलो. ईशा को मैंगोज खाने, तो अभी मैंगो कट करके दे रही हूँ. स्वीट है काफी. ये वाला कहाँ से लेके आए थे पापा? सुपर स्टोर नहीं, कॉस्को. कॉस्को से लेके आए थे अनुज. काफी स्वीट है. जो उस दिन मैं सेवन फूड से लेके आई थी ना लास्ट टाइम, वो बहुत ज्यादा खट्टा था. बट ईशा ने तो वो भी खा लिया, उसको मैंगोज बहुत ज्यादा पसंद है. बट ये बहुत स्वीट है. और बंगाली में ना इसको आटी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर हिंदी में क्या बोलते हैं. और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. लाइक मुजफ्फरपुर का तो आम और लीची फेमस होता है. लीची बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं मुजफ्फरपुर के. इन केस आपको नहीं पता, इतने बिग बिग होते हैं और सीड बिल्कुल छोटा सा होता है और बहुत ज़्यादा स्वीट होता है. और आम में फेमस है मालदा आम वहाँ का.
पूरा समर वेकेशन तो हमारा आम और लीची खाने में जाता था और मैं ये अपना तो खाती ही थी, दूसरे का भी खा लेती थी और इतने ज़्यादा आम खाती थी, दाने दाने हो जाते थे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। आप बताओ कि आपको आम लीची ये सब पसंद है, यानी आई एम श्योर पसंद होगा, बहुत कम लोग होते होंगे जिनको आम नहीं पसंद। और मम्मी कच्चे आम की चटनी बनाती थी, उसको अम्बुल बोलते हैं बंगाली में, और वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी होता था। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा बट चीनी डालना पड़ता है, बट अमेजिंग होता था। समर्स में तो यही खाना होता था बस। और कल मैंने डिनर में ना चिकन बनाया था, जीरा राइस, दाल मखनी और ये पनीर टिक्का, और कितना सारा बच गया है। अभी बस लंच में इनको गरम कर लूँगी। और मैंने ना कल खीर भी बनाई थी और फर्स्ट टाइम मैंने इंस्टेंट पॉट पे ट्राई किया, खीर बहुत अच्छी बनी थी। पहले मैंने टेस्ट किया ना तो मुझे लगा कि शायद उतना अच्छा नहीं बना है, बट फिर बाद में ठंडा होने के बाद जब अनुज ने सबने टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। हमारे जो फ्रेंड्स आए थे उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने कल आलू टिक्की बनाई थी, बहुत टाइम बाद, हम फ्राइड चीज़ें तो कहाँ ही खाते हैं, बट कल सोचा कि स्नैक्स में चलो थोड़ी सी आलू टिक्की बनाते हैं। बहुत सिंपली बनाया था मैंने और बहुत यम्मी बना था, बहुत ही क्रंची बना, बिल्कुल स्ट्रीट साइड आलू की टिक्की होती है ना वैसी बनी थी, लाइक देखने में भी बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही लग रहा था। थोड़ी सी खीर बची हुई है, आपको दिखा देती हूँ। Inside myself, broken down in every single way. So can we talk about it? I'm sorry for the things I said. I was trying to get in. वीकेंड्स को तो घर इतना ज़्यादा गंदा होता है ना जब बच्चे घर पे होते हैं, बट नथिंग टू डू, क्या कर सकते हो तो प्ले करेंगे। तो बस मैं अभी थोड़ा सा क्लीनिंग किया है मैंने कि थोड़ा ठीक ठाक लगे एटलीस्ट लिविंग रूम। प्ले रूम अभी भी फैला हुआ है, अभी नहीं करने वाली मैं, क्योंकि इवनिंग में फिर से करेंगे तो रात को ही करूँगी। अभी यशा और अनुज स्विमिंग के लिए गए हैं, यहाँ पे एवरी संडे ना फ्री स्विम क्लास होता है, तो ये दोनों चले जाते हैं जब केयूष सोता है, नैप लेता है, तो अभी केयूष भी सो रहा है। और आज का दिन इतना चिल आउट लग रहा है ना, लाइक कुछ भी नहीं किया है सुबह से, बस ब्रेकफास्ट बनाया, वो भी बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट था, और फिर लंच भी नहीं बनाया, डिनर भी नहीं बनाना, वाओ। अभी केयूष भी सो रहा है और घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर टीवी देखने वाली हूँ। आप में से कोई मुझे पूछ रहा था कि हम लोग हार्डली टीवी देखते हैं, तो यहाँ पे इंडियन चैनल्स आते हैं कि नहीं। हाँ, हम लोग बहुत कम टीवी देखते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब देख लेती हूँ या नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, बट यहाँ पे इंडियन चैनल्स मिल जाते हैं। जो नॉर्मल कनेक्शन टीवी कनेक्शन होता है उसमें भी आप अलग से एशियन चैनल्स ले सकते हो, बट उसके अलावा भी काफ़ी सेटअप बॉक्स वाले ऑप्शंस होते हैं जिसमें इंडियन सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, एवरी लैंग्वेज लाइक बंगाली, तमिल, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, हर एक लैंग्वेज के चैनल्स आपको मिल जाएंगे उसमें। तो वन टाइम फी होता है, लाइक सेटअप बॉक्स जब आप लेते हो तब वन टाइम फी होता है कुछ, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितना होता है, बट इजीली मिल जाता है, हर एक जगह पे मिल जाता है। आप इंडियन स्टोर जाओगे ना वहाँ पे भी आपको इन सारे कनेक्शंस के बारे में पता चल जाता है। सो कैनेडा आके ना आपको इंडियन ग्रॉसरीज या इंडियन टीवी चैनल्स ये सब कुछ भी मिस आउट नहीं करोगे, आप सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि कैनेडा में बहुत ज़्यादा इंडियंस है, लाइक छोटे से छोटे सिटी में भी ना आपको बहुत ज़्यादा इंडियंस मिलेंगे, इसलिए चीज़ों तो मिलनी ही है। हम डिपार्चर बे आए हुए हैं, बेसिकली ये सी एरिया है और इसके चारों तरफ लेन बने होते हैं जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, और ये बीच भी है, थोड़ा सा और समर हो जाएगा ना तो वहाँ पे बच्चे जाके प्ले कर सकते हैं। अभी पानी काफी ठंडा है, है ना केयूष? पता है इसको याद है लास्ट टाइम आया था शूज गिर गया था ना उसका, पानी में नहीं चला गया था, बार बार ही वॉश कर रहा था, बोल रहा है माय शू वेंट देयर। नीचे आए, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लेट हो रहा था तो हमने सोचा चाय बना के लेके चलते हैं। इधर आ जाए, इतना क्लीन है वाटर, और उस तरफ है वैंकूवर, और पानी का जो साउंड आता है ना इतना म्यूजिकल लगता है, कितना अच्छा लगता है सुनने में,
और जितना शांत रहता है ना उतना ज्यादा आवाज सुनने को मिलता है। गूज को केयूष बोल रहा है, कम गूज, आई एम केयूष, वेर इज योर मम्मा पापा दीदी एंड बेबी ब्रदर। यहाँ पे ऐसे वुडन लॉग रखे हुए, इसके ऊपर आओ और आराम से बैठ जाओ और यहाँ पे व्यू एंजॉय करो। और लास्ट ईयर ना एग्जैक्टली इसी टाइम पे हम ननाइमो आए हुए थे घूमने के लिए, लाइक जगह देखने के लिए, क्योंकि जहाँ पे उसका इंटरव्यू हुआ था अनुज का, तो उन्होंने बोला था एक बार ये आप देख के जाओ फिर आप डिसाइड करना। तो हम वन वीक के लिए यहाँ पे आए थे घूमने के लिए और एग्जैक्टली यही टाइम था। कितनी जल्दी टाइम चला जाता है ना, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ज़्यादा। क्या है सीशेल, मुझे ना पानी के अंदर जाना नहीं अच्छा लगता है, दूर से देखना अच्छा लगता है। ये और दोनों, इनको तो पानी में सुबह से लेकर रात तक छोड़ दो, मत जानू लाइफ, क्यों है ना। If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. और आप लोगों में से कितने लोगों ने ग्रेटफुल जर्नल लिखना स्टार्ट किया बताओ मुझे, आज के मेरे ग्रेटफुल जर्नल में क्या जाएगा, इतना अच्छा व्यू और हेयर कट जो कि हस्बैंड ने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। क्या कुछ डिफरेंस होता तो अप्रिशिएट करते या कुछ बोलते कि हाँ यार कुछ नया हुआ है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं। तो अब नया बनाने के लिए मैं इतना एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कर सकती हूँ बालों से, राइट। वो तो हमें पता था कि तुम हेयर कट के लिए जा रही हो, तो इसलिए हमने एक्सपेक्ट किया कि हेयर कट। आई नो इससे पहले कितनी बार हो चुका है कि बिना बोले हेयर कट करवाया है और एक दिन दो दिन हो गए, कोई नोटिस ही नहीं होता है, कोई रिएक्शन ही नहीं आता है। वो कहते हैं ना मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, तो दिखेगा ही नहीं तो वो बिकेगा कैसे। अच्छा, पूरा सर मुंडवा के आ जाओ फिर लगेगा हेयर स्टाइल। तब मतलब कुछ दिखना तो चाहिए ना, पूरा नहीं, जैसे आगे की ये कुछ बाल गायब हो गए, छोटे हो गए, लेयर्ड हो गए, कुछ दिखेगा तो समझ में आएगा। कुछ नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये हस्बैंड्स का। चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, थम्स अप ज़रूर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। टिल देन यू टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय बाय। Get your Kiesha. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost.